और इसमें एक्स और लिख सकते हैं। तो ये है ट्रुथ टेबल एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर की। अब मैं आपको इन सारे गेट्स की पिन डायग्राम बताती हूँ। अब मैं आपको पिन डायग्राम बताती हूँ 7408 आईसी का। 7408 आईसी किसकी थी? एंड गेट की। तो इसमें मैं बताती हूँ आपको, आईसी कुछ ऐसे बनती है। पहले जो ये साइड होता है ना, जिसमें एक छोटा सा कट लगा होता है इस साइड पे, आपको जब आप आईसी देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसा ही साइन बना होता है आईसी में। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे इधर से काउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, पिन्स की। और ये जो सेवेंथ पिन है वो ग्राउंड होती है हमेशा। सेवेंथ पिन हमारी ग्राउंड होती है और 14 पिन में हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, पावर सप्लाई 14 पिन में देते हैं, मतलब वीसीसी सप्लाई ये 14 पिन में देते हैं। तो अब हम एंड गेट का है, ये आईसी एंड गेट की है 7408। उसमें क्या है, दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होती है। क्वाड टू इनपुट लिया था हमने, दो इनपुट्स और एक आउटपुट। तो ऐसे हमने वन में एक इनपुट ले ली, एक पिन वन में और दूसरी पिन टू में इनपुट्स ले ली, ये एंड है, आउटपुट इसमें थर्ड में दिखा दिया एंड गेट का। ऐसे ही सेम आगे होगा, फोर्थ में हमने एक आउटपुट ले ली, एक इनपुट सॉरी, फिफ्थ में हमने एक इनपुट ले ली और उसे दिखा दिया ऐसे एंड गेट लगा के, आउटपुट किस में दे दी, सिक्स्थ में। सेवन्थ हमारा ऑलरेडी ग्राउंड है। अब हम एट और नाइन्थ पे जाएंगे, इसमें होगा क्या, टेंथ और नाइन्थ हमारी दो इनपुट्स देगा और आठवें पे हमारी आउटपुट आएगी, दो इनपुट और एक आउटपुट। सेम ये 14th हमारा पावर सप्लाई वीसीसी, इसमें पावर सप्लाई आ रही है। 13th और 12th पिन में हमारी इनपुट आएगी दो और आउटपुट हमें 11th पिन में मिलेगी। तो ये इस तरीके का ये पिन डायग्राम होता है आईसी 7408 का, एंड गेट वाली आईसी का, ठीक है। जिस साइड कट है उस साइड पे हम, उस साइड से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। सेवेंथ ग्राउंड होता है, सेवेंथ पिन और 14 पिन में हम पावर सप्लाई दे रहे होते हैं, वीसीसी प्लस वीसीसी से डिनोट करते हैं, और दो इनपुट्स और एक आउटपुट। अब मैं आपको पिन डायग्राम बताती हूँ 7432 का, मतलब और गेट का। अब मैं आपको 7432 आईसी का पिन डायग्राम बताती हूँ। 7432 आईसी किसकी होती है, और गेट की। इसमें भी सेम 14 पिन है, 14th वाले में क्या आ रही है, वीसीसी सप्लाई आ रही है, पावर सप्लाई, और 7th वाली ग्राउंड है। जितने भी गेट्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं, एंड और नॉट नैंड नॉर एक्सोर एक्सनॉर, सब में 14 पिन्स की आईसी यूज होती है और सिमिलर इसमें वर्किंग है। इसमें हो क्या रहा है, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड से हम इनपुट ले रहे हैं, क्वाड टू इनपुट्स, फर्स्ट और सेकंड से हम दो इनपुट्स ले रहे हैं और आउटपुट किस में दे रहे हैं, थर्ड में। सेम इसमें भी सेम ऐसे ही, फोर्थ में और फिफ्थ से हम क्या ले रहे हैं, इनपुट्स ले रहे हैं और सिक्स्थ में हम आउटपुट दे रहे हैं। इसमें वैसे ही जैसे एंड में किया था हमने, सेवेंथ वाला तो ग्राउंड है, उसको यूज नहीं कर सकते उस पिन को, तो टेंथ और नाइन्थ और लगा दिया और आउटपुट किस में दे दी, आठवें में। ये इसमें पावर सप्लाई आ रही है, 13th और 12th इसमें क्या है, इनपुट लगा, 13 और 12 से इनपुट ले रहे हैं इन दोनों पिन से, आउटपुट हम 11th पिन में दे रहे हैं। तो ये पिन डायग्राम है 7432 का, मतलब और गेट की आईसी का। अब मैं आपको नॉट गेट की आईसी का पिन डायग्राम बताती हूं। नॉट गेट की आईसी नंबर क्या होती है, 7404। और नॉट गेट को हम क्या रेफर करते हैं, एज एन इन्वर्टर। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमारी इनपुट वन है तो आउटपुट वो जीरो देता है, और अगर इनपुट हमारी जीरो है तो आउटपुट को इन्वर्ट करके वन दे देता है। तो ये नॉट गेट का काम होता है। नॉट गेट में एक इनपुट और एक ही आउटपुट होती है। तो सेम एक इनपुट, पहले वाली पिन से इनपुट ले लिया, दूसरे में आउटपुट, सेम हो रहा है, मतलब ये क्या है, एक इनपुट दे रहा है एक आउटपुट, एक इनपुट ले ली हमने, दूसरे में आउटपुट, पांचवी पिन में हमने एक इनपुट ले ली इसको, सिक्स्थ में आउटपुट दे दी। सेवन तो हमारी ग्राउंड है, वो यूज नहीं कर सकते, नाइन्थ में हमने इनपुट और एट पिन को आउटपुट दे दिया, इलेवेंथ में इनपुट, टेंथ में आउटपुट, 14 पिन पावर सप्लाई यूज नहीं कर सकते इसे, तो 13 पिन से इनपुट ले लिया और 12th पिन में आउटपुट दे दिया। तो ये सिंपल सा पिन डायग्राम है, ये नॉट गेट का पिन डायग्राम है। 7404 आईसी होती है इसकी। अब मैं आपको एक्सोर एक्सनॉर और बाकी यूनिवर्सल गेट्स की बताती हूँ। मैं आपको यूनिवर्सल गेट्स का पिन डायग्राम बताती हूँ। 7400 जो आईसी नंबर होता है वो नैंड गेट का होता है और 7402 नॉर गेट का होता है। सेम इसमें भी वही वीसीसी सप्लाई, मतलब पावर सप्लाई 14 पे देते हैं और 7th पिन को ग्राउंड रखते हैं। तो पहले नैंड गेट का बताती हूँ, दो इनपुट्स और एक आउटपुट। तो ये नैंड गेट का सिंबल है,
दो इनपुट वन और टू से इनपुट ले लिया और थर्ड वाले में हमने आउटपुट दे दिया। सेम ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ से हमने क्या ले लिया, इनपुट, और हमने सिक्स्थ को आउटपुट दे दी। सेवन्थ ग्राउंड है, उसे छोड़ देते हैं। टेंथ और नाइन्थ से ले लिया हमने इनपुट और एट्थ पिन को ग्राउंड दे दिया। फोर्टीन में पावर सप्लाई है, छोड़ देते हैं उसे। थर्टीन और ट्वेल्थ से इनपुट ले लिया और इलेवेंथ को क्या कर दिया, इलेवेंथ में हमने ग्राउंड दे दी। तो ये नैंड गेट का पिन डायग्राम है IC7400 का। अब मैं 7402 IC का बताती हूँ, नॉर गेट का बताती हूँ। सेम ही प्रोसीजर है जैसे सब में हो रहा है, दो इनपुट्स नॉर गेट में, ये नॉर बना दिया नॉर का सिंबल, और तीसरे वाले में आउटपुट दे दी। वैसे ही सेम चौथे और पांचवे से हमने इनपुट ले लिया, नॉर लगा दिया, नॉर गेट बना दिया, और छठे वाले में हमने आउटपुट दे दिया। टेंथ और नाइन्थ से हमने इनपुट ले लिया और आठवें में हमने आउटपुट दे दी। थर्टीन्थ और ट्वेल्थ से इनपुट ले ली और इलेवेंथ में आउटपुट। सेम प्रोसीजर है, सब में ही सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है सारे पिन डायग्राम्स में, सिवाय नॉट गेट में। नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट। अब मैं एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर की पिन डायग्राम बताती हूँ। मैं आपको 7486 IC और 7472 IC का पिन डायग्राम बताती हूँ। 7486 IC होती है एक्सोर की, और ये वाली जो IC है वो होती है एक्स नॉर की। तो एक्सोर में क्या है, वही सेम प्रोसीजर, दो इनपुट्स ले लिए और एक्सोर का साइन, और तीसरे वाले में हमने आउटपुट दे दी। फोर्थ और फिफ्थ को हमने एज इनपुट ले लिया एक्सोर, सिक्स्थ में आउटपुट दे दिया। सेवन्थ हमारा ग्राउंड है ऑलरेडी। ऐसे ही टेंथ और नाइन्थ से हमने इनपुट ले ली, दो इनपुट्स, क्वाड टू इनपुट्स, और आठवें में आउटपुट दे दिया। थर्टीन्थ पे और ट्वेल्थ से हमने इनपुट ले लिया और इलेवेंथ पे आउटपुट दे दिया। तो ये एक्सोर का है, जिसमें हम एक्सोर भी, मतलब सारे प्रोसीजर जो सारे गेट्स हैं उनमें पिन डायग्राम एक तरीके से सेम ही चीज़ हो रही है, सिर्फ हमने सिंबल्स इसमें सिंबल्स जो हैं वो डिफरेंट हो गए हैं, सिवाय नॉट गेट के। नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट का यूज़ कर रहे थे, और बाकी सारे गेट्स में हम दो इनपुट और एक आउटपुट का यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ सिंबल्स का चेंज है। ये है हमारी एक्सोर की, एक्सोर का पिन डायग्राम है ये। अब मैं आपको एक्सनोर का पिन डायग्राम बताती हूं। होगा सेम वही, बस उसमें आगे नॉट लग जाएगा। एक्सोर के दो इनपुट्स ले लेते हैं, ये नॉट लग गया एक्सनोर, एक आउटपुट, सेम वैसे ही एकदम। चौथे और पांचवे से इनपुट ले लिया एक्सनोर का सिंबल, सिक्स्थ पे आउटपुट, सेवन्थ यूज़ नहीं कर सकते हम, ग्राउंड है। टेंथ और नाइन्थ से इनपुट ले लिया एक्सनोर का सिंबल, आठवें पे आउटपुट। थर्टीन्थ और ट्वेल्थ से इनपुट ले लिया एक्सनोर का सिंबल और इलेवेंथ पे आउटपुट। सेम पिन डायग्राम है। लेक्चर वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गेट्स के बारे में, उनकी IC नंबर, वो सिंबल्स, ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल में मैंने आपको सारी गेट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर दिया है। पिन डायग्राम्स में मैंने समझा दिया आपको। पिन डायग्राम्स ऑलमोस्ट सारे गेट्स के सेम ही है, सिवाय सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। बस 14 पिन की IC है, कट के साइड से हम नंबर्स काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 14th पे पावर सप्लाई है और 7th जो है वो पिन, वो ग्राउंड रहती है। और सिर्फ नैंड जो नॉट गेट है वो ही डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें एक इनपुट और एक आउटपुट लेते हैं, बाकी सब में सिमिलर है। क्वाड टू इनपुट्स होते हैं, मतलब दो इनपुट्स और एक आउटपुट होता है। यूनिवर्सल गेट्स के बारे में अगर आपको और एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक और लेक्चर वीडियो बनाई हुई है यूनिवर्सल गेट्स के बारे में, जिसमें मैंने नैंड की हेल्प से नॉर बनाया है और नॉर की हेल्प से मैंने नैंड को इम्प्लीमेंट करा है, और बाकी सारी बेसिक गेट्स एंड और नॉट मैंने यूनिवर्सल गेट्स की हेल्प से बनाए हैं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड मैंने आपको आज इस लेक्चर वीडियो में प्रॉपरली सब एक्सप्लेन कर दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको अपने किसी रिलेवेंट टॉपिक पर फर्दर वीडियोज़ चाहिए हो